दोस्तों पार्ट वन तक आपने देखा कि बाबा भोलेनाथ जी बड़कोट टनल के पास पहुँचे। वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बाबा भोलेनाथ जी का स्वागत किया गया और अभी बाबा भोलेनाथ जी अपने आसन पर विराजमान होंगे और आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों पार्ट टू देखने को मिलेगा। तो बने रहिए और चैनल पर नहीं होते प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए पार्ट टू इससे आगे। तो दोस्तों जैसे कि बाबा भोलेनाथ जी टनल के पास आ रखे हैं तो अभी बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की जा रही है और दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होता है आपको ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए, अभी पूजा अर्चना हो रही है बाबा भोलेनाथ जी की। सो गाइस, तो अभी यहाँ पे पूजा जो है वो भी हो चुकी है कंप्लीट। आपने देखा इस तरह मैं बता पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का मैं बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी यहाँ पे इसके बाद जो भी कुछ होगा आप वो ज़रूर बताऊँगा मैं। और दोस्तों अभी यहाँ पे होगा हवन, हवन की सामग्री आ चुकी है। जो आगे दोस्तों मंदिर है ये है बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर, यहाँ पे ऊपर दिखा भी है बाबा भोलेनाथ, ये प्यारा सा मंदिर और इसी जस्ट सामने यहाँ पे भी हवन होगा। दर्शालु बैठे हैं बाबा भोलेनाथ जी के प्रांगण में, आंगन में बाबा भोलेनाथ जी की डोली यहाँ पे आगे खड़ी रखी हुई है। दोस्तों यहाँ पे रखी हुई बाबा भोलेनाथ जी की डोली जो सबसे आगे रखी हुई है और यहाँ पे अभी पूजन सामग्री है, यहाँ पे पूजा होगी और बने रहिए। जोगुड़े भाई द्वारा भी अच्छी सर्विस दी जा रही है, जूस सबसे पहले मिल गया पानी की जगह। यमर तो जी, तो जी प्रणाम। तो यहाँ पे भी जूस दिया जाएगा इन गिलासों में, सबको प्यास लग रही है गर्मियों में। अरे बैठे हैं सभी, इधर सभी बैठे हैं भाई। बाकी दोस्तों जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ चुका है। तो अभी बाबा भोलेनाथ जी अवतरित होके हमें क्या संदेश देते हैं तो सुनते हैं दोस्तों, और आप भी सुनिए कि बाबा जी हमें क्या संदेश देते हैं अभी। तो जय बाबा भोलेनाथ। कोई बहना कोई सबको खिलाने वाला हूँ, सब उछंगा। बिल्कुल।
सरकारी सफाई से चलाएं पाकि एक बात को एक कांडू भी चुवलो मैं चुवलो बस बस ये चाहे थे और देवता थोड़ा एनर्जी चाहने की जो मंदिर बनाओ बनायो सो करे था वहां वा तो देवता जी जथा आप चाहते जथा मतलब जिधर आप चाहते हैं वो सुल्टू को था वा वो आप दे देखो मेरी दिशा है दर पूरब का बीच मा देवता ये पता निशान पर लगाण अब क्यों लिया मैं आपई बोलो कि एक बंडो भाई ओ देखो मेरा छोटा मंदिर बनेगा यहाँ बड़ी दर भी इधर भी ठीक देवता ठीक भाई इधर निशान नहीं यहाँ लगाई के जवाबदारी में दी कोई हानि होली मेरी जवाबदारी है देखो कार्य मैं पूछ के वही चाहिए सब खेल खेलना हो फकीर में सारा कार्यक्रम पूजा होने के बाद यहाँ पे अभी भंडारा रखा हुआ है तो सभी यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं मातम के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी मातम खाया जा रहा है। गाइस तो फाइनली जो भंडारा का भोजन है वो मातम के रूप में ग्रहण कर लिया है भाई। और अब यहाँ से लगभग चलने की तैयारी में हैं, अभी देव डोली अंदर है, इसके बाद घर को वापसी चलेगी देव डोली। तो चलो गाइस बने रहिए, इसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ होगी आपको बताएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लगभग 15-20 मिनट रुकेंगे और इसके बाद फिर घर वापस चलेगा देवता अपने मंदिर पर। तो चलो बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली बाबा भोलेनाथ की डोली सभी को आशीर्वाद देकर वापसी जाने की तैयारी में है। तो आशीर्वाद लेते हैं बाबा भोलेनाथ जी का और चलते हैं वापस। Thank you.
फाइनल भी जो देर पे है बड़कोट के लिए वापसी के लिए चल दी गई है। तो जय बाबा भोगनाथ, आप सभी बड़कोट में छाए बनी रहे बाबा भोगनाथ की। अरुण भाई कैसे लगा आपके उसमें? जो मेरी मतलब मन इच्छा थी पूरी हो गई कि बाबा भोगनाथ जी इंटरनल पास आ जाए बड़कोट का। हाँ बस मन खुश हो गया है। आपने आप ही उनके पास एक साल में उधर सुनो रहे बाबा भोगनाथ जी के तो मेले होते से देख ली। चलो गाइस चलते हैं कंटिन्यू बड़कोट के लिए वापसी। तो दोस्तों फाइनली बाबा भोगनाथ जी बड़कोट पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। और दोस्तों बाबा भोगनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें। बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ गया भाई। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।